आज जो आप लोगों का गांव में बूथ लेवल मीटिंग हुआ, तो किन विषयों को चर्चा हुआ है और क्या रिजोल्यूशन लाए हैं आप लोग? ऐसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम लैंखा मंगसू है, कायमाय का लीडर हूँ। तो आज का मीटिंग जो है, कायमाय जितना भी लोगों का जो सपोर्टर है, वो सबको बुला के, मेरा घर में बुला के, हम लोग एक यूनाइट होके लोगों को सपोर्ट करेगा, उसको वोट दे के जीता के हम लोग असेंबली में हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव उसको ही भेजेगा बोल के हम लोग आज मीटिंग हुआ है। तो 80% कायमाय से पूरे जमा हुआ है, हम लोग काउंट किया है बस्ती में इतना ही है, अभी 20-25% बाकी रह गया, वो सब भी आ जाएगा। तो सर ये भी तो सुनने को मिल रहा है कि आपका गांव से एक कैंडिडेट अभी कॉन्टेस्ट करने वाला है, क्योंकि आपका गांव से ही है, तो फिर आप लोंगडोंग का साथ में क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये सिर्फ सुना है कि वो यहाँ से कायमाय से जय होसाई बोल के एक तो मेरा छोटा भाई है, वो कंटेस्ट करेगा बोल के सुना है। लेकिन हम लोग का बस्ती में एक नियम होता है कि मोरंग बोलते हैं ना, उस वो काउंसिल मेंबर सब राजा गांबुरा लेके हम लोग का काउंसिल मेंबर या सब प्रजा उजा सब बुला के नियम करता है, डिक्लेरेशन होता है, उसमें सबको रिक्वेस्ट करके हम कॉन्टेस्ट करेगा एक साथ में होना है रिक्वेस्ट करके। तब तो ये नियम होने के बाद में ही, डिक्लेरेशन होने के बाद में ही पता चलता है कि हाँ वो कॉन्टेस्ट होने जा रहा है कायमाय से। तो हम लोग तो ऐसे ही सुना है उसको कॉन्टेस्ट करेगा बोल। तो इसका पॉलिटिकल कैरियर जो मैं पॉलिटिक्स में जब घुसा है वो 1984 में घुसा है, 1984 से लेकर आज तक। तो मेरा भाई छोटा भाई और जो जय होसाई जो 2008 को पंचायत इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट पंचायत इलेक्शन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में फर्स्ट पंचायत इलेक्शन हुआ था, उसमें कायमाय से पूरा बस्ती मीटिंग करके हमको चुना था, तुम कॉन्टेस्ट करो लैंखम, तुम ZPM के लिए कॉन्टेस्ट करो। तो वो भी था, खुद भी था। तो उस टाइम में कैंपसिंग शुरू हो गया कुछ, और बस्ती में भी घूमना शुरू हो गया। तो मीन टाइम लास्ट मोमेंट में वो भी निकल गया, हम भी कॉन्टेस्ट करेगा। तो उसका पॉलिटिकल उसमें घुसा है, उस टाइम से वो पॉलिटिक्स में घुसा है। तो मेरा साथ में टक्कर हो गया, दोनों कॉन्टेस्ट किए, दोनों फेल हो गए। वो कायमाय से मिला है आउट ऑफ 200 वोटर्स वोट्स, तो हमको मिला है 500। तो कायमाय से तो हम जीता है, लेकिन कायमाय से दो हो गया तो दोनों ही हार गया। उसके बाद में 2014 को वो MLA के लिए कॉन्टेस्ट किया, तब भी कायमाय से बहुत कम मिला है, फिर फेल हुआ। उसके बाद में फिर 2019 को कॉन्टेस्ट किया है, तो हम ही लीड करके सब कायमाय यूनाइटेड किए, सबको पूछ सकते हैं, मेरा वजह से सब 101% उसका साथ में था, 1019 वोट उसको सॉलिड मिला है, बिना खर्चा करके सब उसका साथ में ये किया है। तो डोनेशन या कुछ लकड़ी जो भी सब्जी वगैरह सब डोनेशन किए, सब गांव का आदमी फार्मर्स लोग सब अपना अपना तरफ से क्या दे सकेगा वो सब डोनेशन करके उसको कॉन्टेस्ट किया। बीजेपी टिकट मिलके, बीजेपी टिकट लेके और सारा लेफ्ट एंड राइट सब उसका साथ में, हवा पानी सब उसका साथ में था 2019 इलेक्शन में, तब भी वो हारा है, लोंगडोंग साहब जीता है बीजेपी टिकट लेके भी। और इस बार भी वो सोचते हैं, वो क्लेम कर रहा है बीजेपी टिकट हमको ही मिलेगा, उसको बुद्धू बोलेगा ना, इंटेलिजेंट बोलेगा। इतना कैरियर में एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ है, तीन बार लगातार वो फेल हुआ है इलेक्शन में, वो अभी भी क्लेम कर रहा है। तो उसको तो हाई लेवल ने तय करेगा
जो भी हाई लेवल निर्णय लेगा वो हम लोग वेलकम है। अभी सोशल मीडिया में जो दिखा रहा है कि ये लकड़ी देने वाला, सब्जी देने वाला, पैसा देने वाला, डोनेशन ड्राइव, ऐसा सिस्टम। डोनेशन ड्राइव तो सबसे पहले हम बताया कि कायमे में हुआ था, हम लोग का अपना बस्ती में हुआ था, वो इस साल कायमे में कभी नहीं सकेगा ऐसा चीज़। इसलिए छोटा छोटा गांव वाला लोग को घुमरा बना के, बुड्ढू बना के ऐसा खेल खेल रहे, सोशल मीडिया में फैला रहे। तो और टिकट, टिकट के बारे में जो है कायमे में, कायमे वर्सेस कायमे, हम लोग का कॉन्टेस्ट हो रहा है कायमे वर्सेस कायमे, युवा होसे अगेंस्ट में हम लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो टिकट तो हम लोग तो ऐसे तो सेकेंडरी के लिए रखते हैं, सेकेंडरी कायमे रे, कायमे जगह में सबका विकास, सबका साथ, उसी में हम लोग विश्वास है। इसलिए तो उसी आवाज़ को, पब्लिक का आवाज़, पीपल्स का आवाज़ सुन के लोगों का भी वेलकम किया है। कांग्रेस में था उसको भी वेलकम किया है, बीजेपी में शामिल किया है, और निश्चय इस बार 100% जीतेगा। तो सर, आप जो आज आप लोगों का जितने भी गांव मिलके जो चर्चा करके एक रिजोल्यूशन लाया है कि लोगों को सपोर्ट करेगा बोल के, तो आप क्या सेटिस्फाई है? हाँ, अच्छा, ये जो ये आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे इतना सारा गैदरिंग है, ये कायमे विलेज में हो रहा है। तो मेरा नाम जितेन वंशा है, मैं बीजेपी तिराप का सेक्रेटरी पोस्ट में हूँ फिलहाल। तो ऐसे बीजेपी डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी का होने का नाते इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, और यही विलेज से बिलोंग करता हूँ। तो आज का मीटिंग हम मैंने पूरा देखा है, पूरा सुना है उन लोगों का बातें, बस्ती वालों का, हमारा जो सब लेडीज से लेके जितने इल्डर्स लोग हैं सबका बात सुना। तो यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है कि 70% तो इस बार लोवांगडोंग का कैंप में है। तो वजह इन लोगों ने यही बताया कि लास्ट टाइम भी जे ओसाई को इवन 2014 से हम भी उसका साथ में है, 19 को भी उसका साथ में था, मैं भी खुद भी, लेकिन कुछ वजह से वो 19 को भी बीजेपी टिकट लेके भी जीत नहीं पाया। तो देखा है कि इन लोग उससे बहुत नाराज है, जोवांग ओसाई से ये लोग बहुत नाराज है। वजह ये है कि फर्स्ट जोवांग ओसाई लास्ट टाइम उठा था, तो हमारा बस्ती ये कायमे के लोग ने कि बहुत सारे लोग ने बहुत सा लकड़ी भी डोनेट किया, पैसा भी डोनेट किया, इवन सुअर गावरी भी डोनेट किया, जितना हो सके सब ने अपना अपना कैपेसिटी में डोनेट किया। लेकिन आज तक जे ओसाई ने उन लोगों को इवन थैंक्स भी नहीं दिया है। तो इस तरह का डोनेशन, तो इस तरह का एक मदद तो हम लोग का ये तिराप में बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, चलते आ रहे हैं। लेकिन जे उसे क्या क्या करते हैं कि ये सबसे डोनेशन लेगा, लास्ट में वो अपना फायदा के लिए यूज़ करता है। हम लोग देखा है लास्ट टाइम भी, मतलब हम लोग उससे कुछ भी नहीं मांग रहे, यहाँ हमारा ये बस्ती का लोग उससे कुछ भी नहीं मांग रहे रिटर्न में, लेकिन एक बार थैंक्स तो देना है, ये सभी का कहना है। आप बाद में भी पूछ सकते हैं, उसने लास्ट ईयर भी हारा है, हारने के बाद थैंक्स गिविंग पार्टी एक बार रखो बोल के बोला था हर कोई, लेकिन थैंक्स गिविंग पार्टी भी नहीं रखा है। तो यहाँ का लोग तो उससे कुछ भी नहीं मांगता है, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हारने वाला से क्या एक्सपेक्ट करेगा। और ये लोग का सबका कहना है कि ऐसे कैंडिडेट एक लीडर बनने के लिए जितना उसको मदद करना चाहिए, बस्ती में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सब यही कह रहे हैं कि अगर वो उतना है, अगर कैंडिडेट है, तो अपना बस्ती का, अपना जो अपना लोगों को उसने क्या मदद किया है, क्या चीज़ डेवलपमेंट के लिए काम किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम किया है, वो चीज़ को बता के वो उड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि हमारे जो बस्ती का है,
कायमे में उस वो आज तक मीटिंग नहीं किया है। ये 2024 का असेंबली इलेक्शन को लेके ये फर्स्ट मीटिंग होगा, और ये सभी का कहना है कि आज तक ये लोग कुछ भी यहाँ में मीटिंग नहीं हुआ है, लोंगडोंग का कैंप का आदमी ने भी उसको रुक के, क्योंकि सबका यही एक्सपेक्टेशन था कि वो आके एक तो मीटिंग अरेंज करेगा, और कुछ अगर कुछ गलती हुआ होने से भी पैर पकड़ेगा, सबसे माफ़ी मांगेगा। लेकिन अभी इलेक्शन होने के लिए अभी एक महीना भी नहीं बचा है, इतना टाइम नहीं है, एक महीने का टाइम भी नहीं है, फिर भी उसने कुछ मीटिंग इनिशिएट नहीं किया है, बस्ती वाला को नहीं बताया है, तो ये बहुत ही गलत। वो लोग सेंटीमेंट ले लिया, अभी सेंटीमेंट हो गया सबका, बस्ती दूसरा बस्ती में तो जाके वो मीटिंग कर रहा है, सबको मदद कर रहा है, सबको देख रहा है, लेकिन कायमे में उसका ऐसा कुछ भी एक्टिविटीज नहीं है, ऐसे कैंडिडेट ऐसे एमएलए इंस्पायरेंट। तो हमारा यहाँ का लोग बहुत नाराज है, बहुत दुख है। तो अभी हमको भी ऐसा लग रहा है कि जब अपना ही घर में अपना ही लोग आपसे नाराज है, तो ऐसे सच्चा बीजेपी कार्यकर्ता हम तो जो हमारा जो हाई कमन है उसको अच्छा ही जो रियल है जो सच है उसको ही बात तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए कोशिश करेगा। सर जैसे कि आपने कहा यहाँ में डोनेशन लास्ट टाइम आप लोगों ने दिया, लेकिन फिलहाल अभी भी तो हमें देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में जो कि डोनेशन लेते हुए, तो पब्लिक ही तो सपोर्ट कर रहा है। यस, ये एक्चुअली ये बोलने से हम ये इसके लिए तो हमारा बस्ती का लोग नाराज है। क्यों नाराज है? वो एक उसका एक तो प्रोफेशन टाइप से हो गया, एक इलेक्शन उठेगा, इवन बस्ती आदमी लोग उसको भी नहीं छोड़ रहा है, वो सब्जी तक ले रहा है, वो सब्जी तक मांग कर रहा है। तो इस तरह का कैंडिडेट है। यहाँ का लोग ये इसी बात पे नाराज है कि हमने भी तो उसको लास्ट ईयर कितना सब्जी दिया है, हमने भी तो कितना लकड़ी दिया है, हमने भी तो कितना सर्विस दिया है, लेकिन थैंक्स भी नहीं दिया, सोशल मीडिया में भी कुछ भी उसका बात ही नहीं है। दूसरा बस्ती दे रहा है तो वो सोशल मीडिया में फैला रहा है, दूसरा बस्ती इतना अच्छा है, इतना हमको इतना प्यार कर रहा है, इतना मदद कर रहा है, लेकिन हमारा कामे वाला को इतना प्यार दे रहा है, उसको लास्ट टाइम भी 100% उसको वोट दिया था, फिर भी उसका कोई उसके लिए उसको ये सब जो हमारा बस्ती का लोग उसको मदद करता है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो इसी बात को लेके हमारा जो गाँव के लोग उससे नाराज है। मीटिंग किया तो आप लोवांगडोंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका मुद्दा जो क्या रहेगा आपका 2024 इलेक्शन का मुद्दा जो है? हाँ, हमारा मुद्दा ये रहेगा, पूरा गांव का मुद्दा है ये, आपका जो रूट, हम लोग का रूट ठीक नहीं है, कायमा का रूट ठीक नहीं है, और पानी ठीक नहीं है, ये सब के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। और लोवांगडोंग जो है हम ये उम्मीद करते हैं उससे वो काम कर देंगे, अच्छा आदमी है, सिंसियर है, इसी हिसाब से हम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं दे रहे कि आपका गांव में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जो कि प्रेजेंट एमएलए का अंदर में या प्रीवियस 10 साल का अंदर में, तो आप फिर दोबारा आप उन्हीं को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो किन विषय को लेके आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कारण दो? ये सवाल पूछने के लिए थैंक यू आपको। पॉसिबल मेरा नाम वहाँ वांगसू है, मैं यहाँ का कायमे बस्ती का हूँ। तो असली में जो आपने अभी पूछा है वो फ़िलहाल हम लोग का बस्ती तक सीमित था ये सवाल। ये अभी हम आपका माध्यम से ये हम सबको बताना चाहूँगा कि जो अभी ये सिलसिला हो रहा है जैसे कि सोशल मीडिया में कि हम लोग फिटिसन में ये आपका ये ना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये बात आपका 2014 का बात है। हम लोग का लोंगडोंग सर ने हम लोग का बस्ती में मैंने एक तो स्कीम लाया था, मैंने कायमे टू खेला, वो मैंने 20 करोड़ का था, वो हम लोग का कायमे से लेके खेला तक उसको मैंने रोड कनेक्टिविटी एक था। तो सोच के देखिए अगर वो होता तो अभी हम लोग का कायमे बस्ती का कितना ये होना था, डेवलपमेंट होना था, बिना रोड से तो कुछ भी ये नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। तो वही चीज़ को हम लोग का बस्ती ने क्या किया है, आपका हम लोग का यह में
पूरा आपका अपन राजा से लेके पूरा ये करके मीटिंग करके उसमें ये बोला है गया है कि लोवांगडोंग से कुछ भी स्कीम लेके नहीं आना है बसी में। वो तो दे रहे हैं हम लोग को 20 करोड़ का, तो वो हम लोग उसको ब्लेम करेगा ना, हम लोग खुद को ब्लेम करना है। वो आप जानिए वो चीज़ तो ना, और ऐसा है चीज़ तो। फिर अभी जो हम लोग का जो उसका साथ में जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो उसका अभी जो आप पहले भी पूछा है उसका मुद्दा, जो मुद्दा तो सिंपल है, बीजेपी लोवांगडोंग और उसका विनेबिलिटी और उसका एक्सपीरियंस और वो तो जीतेगा। ये 2014 से लेकर 19 तक हम लोग का कायमे बस्ती ने उसको वोट नहीं दिया है। 2019 में उसको सिर्फ एक तो वोट मिला था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कायमे बस्ती से इस बार 70% उसको लोवांगडोंग का पास में है। आज जो यहाँ में जो आप लोगों चर्चा किया है, तो महिला की ओर से भी कंट्रीब्यूशन तो हर चीज़ में होता है, तो हमारा सवाल भी वही है कि महिला जो विंग्स है आप लोगों का, यहाँ में महिला लोग हैं, तो आप लोग इस बार इलेक्शन में इनको किसको सपोर्ट करने वाले हैं और कितना परसेंटेज में आप लोग जो है सपोर्ट करने वाला है? यहाँ का जितने भी वीमेन्स है यहाँ जो आज उपस्थित हुए हैं, सब लोवांगडोंग का ही सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जितने भी इंडिविजुअल्स है ना, 70% आउट ऑफ 100 70% लोवांगडोंग का सपोर्ट्स में है। तो अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो किन मुद्दा को लेके आप सपोर्ट करेंगे? हम लोग मतलब लोवांगडोंग को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एलिजिबल है और कैपेबल भी है, और वो कितने सालों से, इस बार अगर जाएंगे तो 25 ईयर्स होगा उनका, तो इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब बीजेपी को ही हम लोग लाएंगे वापस, लोवांगडोंग को ही वापस लाएंगे, क्योंकि वही हम लोग को एक साथ देखभाल कर सकते हैं बोल के।